हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कल यहाँ पर आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए शाम को रात को एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली थी कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट इश्यू है, डॉक्यूमेंट डाउट है, वो आप कमेंट के अंदर लिखें। उन सभी दोस्तों प्रश्नों का कमेंट के अंदर जो भी आपने लिखे थे उनका रिप्लाई मैं वीडियो के अंदर दूंगा दोस्तों। तो ये उसके रिकॉर्डिंग वीडियो है। जिसने भी दोस्तों कमेंट किए हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, और जिसने नहीं किए हैं वो भी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपका डाउट शायद यही हो। और दोस्तों, अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई डाउट है, मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी बताऊंगा। कम से कम 70-80 कमेंट आए थे, तो वो सारे डिस्कस करूंगा दोस्तों। और इनके अलावा भी आपके पास कोई इश्यू है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अभी भी लिख दें, उनका रिकॉर्डिंग मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपका वीडियो के साथ बता दूंगा दोस्तों। तो इसके अंदर ज़्यादा इश्यू क्या है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपका ईबीसी सर्टिफिकेट से संबंधित, और नाम में अगर गलती है तो क्या प्रोसेस होगा दोस्तों, ये भी आपका बड़ा इश्यू है। और एक दोस्तों दो डिग्री एक साथ है तो आपको क्या करना दोस्तों, ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता भी दिया है डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि किसने क्या पूछा है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या दोस्तों। जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए लिखा है दोस्तों, जो आपका डीवी लिस्ट आई है उसके अंदर, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। और दोस्तों जैसे ही वो साइट डॉक्यूमेंट अपलोड वाली चलेगी तो आप कर देना, अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी ज़्यादा समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के कमेंट का। तो दोस्तों सबसे पहला एक जो कमेंट आया है इनका है, सर मैंने मैकेनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई किया हूँ, बट फॉर्म फिलअप करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चॉइस किया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्तों? तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने आईटीआई की है और डिग्री की है तो आप बिल्कुल बेझिझक लेके जाएँ। एक दोस्तों ये बड़ा इश्यू है कि सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, मेरे लिए कोई एनओसी लगेगी क्या? अगर दोस्त आपके पास आपकी कंपनी लिमिटेड है तो आपको ज़रूर ले जाना चाहिए, वरना आपको कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों आपने फॉर्म में अगर फिल किया है, जिस टाइम में फॉर्म फिलअप हुए थे उस टाइम में आपने अगर ये लिखा है कि इन सर्विस हैं आप, तो ही आपको एनओसी लेके जानी है। अदरवाइज आप 2018 31 मार्च के बाद में अगर जॉब लगे हो तो आपको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। उसके बाद में अगर आपके रेलवे में नौकरी लग जाती है तो बाद में आप एनओसी लेके दे देना, उसे आपको रिज़ाइन देना है सिर्फ आपको डिपार्टमेंट से, अपने जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म में फिलअप किया है तो ही आपके रिगार्डिंग ये दोस्तों न्यूज़ है। तो इसके अंदर एक है जनरल वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों जनरल वालों के लिए मैंने बता दिए थे बेसिक, आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस अगर आपने ईबीसी वाला अगर आपने छूट ली है ईडब्ल्यूएस तो दोस्तों उस टाइम में काम नहीं कर रहा था। अब अगर आपने फीस में छूट ली है तो आप बना के लेके जाएं, फर्स्ट ग्रेड के गजट ऑफिसर के साइन होने चाहिए उसके ऊपर जो फॉर्मेट रेलवे ने दिया है वो। और बाकी दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आईटीआई डिप्लोमा, बीटेक जो भी आपने किया, वो कॉलेज किया तो कॉलेज की मार्कशीट आपको लेके जानी है। बस दोस्तों आपको यही लेके जाने हैं, एक्स्ट्रा कोई भी कागज़ नहीं लेके जाना है। कास्ट आपके लगता नहीं है, मूल्यवास लेके जा सकते हो, अगर आपके पास है तो आधार कार्ड लेके जाना है, बस यही आपको लेके जाना है। ये दोस्तों एक और है, ईबीसी यस किया है, कास्ट एससी है और इनकम 50,000 से कम है, तो दोस्तों आप बनवा लो गजट ऑफिसर से, आपका बन जाएगा और वो ले जाना। तो दोस्तों इसमें ये आपके कमेंट आए हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट में विलेज नेम पुराना है और आधार कार्ड में नया है दोस्तों, क्या करें? तो दोस्त कास्ट सर्टिफिकेट नया बन जाता है 3 से 4 दिन में बन जाता है, नया बनवा लो, रिस्क मत लो बिल्कुल भी आप डॉक्यूमेंट के मामले में। ये एक है दोस्तों, इलाहाबाद से मेरा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ दोस्तों, हो जाएगा आपका जिस भी दिन मेडिकल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे 10 दिन पहले आप देख लेना एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है डीवी के लिए, दोस्तों अभी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर रेलवे मांगेगा, जो रेलवे अपना फॉर्मेट देगा आपको मेल करके। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेल आएगा, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट आएंगे 10 से 12 डॉक्यूमेंट, वो आपको दोस्तों सिग्नेचर करवा के लेके जाने होंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर। अब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, ये आपका दोस्तों एक क्वेश्चन और था। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट अदर डिस्ट्रिक्ट से है, नहीं प्रॉब्लम दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी कास्ट सही है तो। आधार कार्ड में एड्रेस में और फॉर्म में एड्रेस में थोड़ा डिफरेंस चलेगा क्या? तो दोस्तों ये
थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है आपका। अगर आपका आधार कार्ड में गलत हो तो आप करेक्शन करवा सकते हो, फॉर्म में गलत हो तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। ये आपका दोस्तों इसका यही आपका आंसर है। तो एक और है दोस्तों, सर मेरी 12th की मार्कशीट में फादर नेम रोंग है, 10th में किशन लाल जहारिया एंड 12th में किशन लाल सिंह, क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अगर आप पीसीएम से हो दोस्तों तो आपको ज़रूर करेक्शन करवा लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों 10th वाला आईटीआई या बीटेक से हो तो दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट ही आपके लिए नाम का वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी होती है, और अदरवाइज आपके पास आधार कार्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला दोस्तों, सर हरियाणा में ओबीसी का सर्टिफिकेट तहसीलदार से बन रहा है जबकि फॉर्मेट में डीसी या डीएम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दोस्तों तहसीलदार का चल जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला है दोस्तों, सर जो मैंने फोटो अपलोड की थी उसमें नाम व डेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त। अगला है दोस्तों, सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट 50,000 फिक्स वाला है, चलेगा क्या? दोस्तों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट 50,000 तक चलते हैं। अगला दोस्तों, एस सी ई बी सी सेलेक्ट किया हूँ लेकिन ये दोस्तों मैंने बता दिया पहले ही। ये दोस्तों अगला है, आईटीआई एंड ग्रेजुएशन दोनों एक ही ईयर में की है, क्या दोनों दिखा सकते हैं? ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है आपका, इसके रिगार्डिंग काफ़ी लड़के परेशान हो रहे हैं, तो इसका मैं आपको परफेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपने आईटीआई और आपकी कॉलेज दोनों रेगुलर की हैं, दोनों दोस्तों रेगुलर की हैं, तो आपको कॉलेज नहीं दिखाना है वहाँ पर, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप दोस्तों आईटीआई आपकी रेगुलर है और कॉलेज आपकी प्राइवेट है तो दोस्तों आप दोनों दिखा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि रेलवे यही बताता है कि रेगुलर एक टाइम में एक ही सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। रेलवे नहीं, सभी डिपार्टमेंट में यही होता है आपका, कि एक टाइम में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपका मेडिक जो भी डिग्री है वो होती है दोस्तों। दो डिग्री एक साथ आप रेगुलर नहीं कर सकते। तो दोस्त अगर मैंने बता दिया ऐसा आपका प्रोसेस है तो ज़रूर लेके जाएं, वरना आप ना लेके जाएं दोस्तों वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्टिव सर्टिफिकेट बनवाना है क्या? नहीं दोस्तों, करेक्टिव सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाना है, जिस टाइम में बनवाना होगा तो रेलवे बता देगा और हम भी बता देंगे दोस्तों। 10+2 या आईटीआई का एडमिट कार्ड भी लेके जाना है? नहीं दोस्त, आईटीआई और 10+2 का एडमिट कार्ड का क्या करोगे वहाँ पर? तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है जो कि 31 मार्च से पहले पहले की हो, उसके ऊपर जो डेट आती है वो 31 मार्च से पहले पहले की हो। ये दोस्तों अगला है, सर आईटीआई जिनका अपना अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, ओनली केवल मार्कशीट है, सो प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो दोस्त इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली कोई बात नहीं है, आप अगर पास सर्टिफिकेट नहीं है और आईटीआई की मार्कशीट है वो 31 मार्च से पहले पहले की, 31 मार्च 2018 से, तो दोस्त आप मार्कशीट लेके जा सकते हो। सर्टिफिकेट दोस्तों 2 साल के अंदर आता है तो वो अभी नहीं आया होगा, रेलवे इस बात को समझता है। सर इसका अगला है, सर मेरा एडमिट कार्ड में डीओबी ओनली 1900, आधार कार्ड में 1994 लिखा है, तो दोस्त इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन आपका 10th की मार्कशीट से भी हो जाएगा, आधार कार्ड में भी आप करेक्शन करवा सकते हो अगर आप चाहो तो। करेक्शन होगा तो दोस्तों आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना थोड़ा बहुत आपको सुनने को मिल सकता है वहाँ पर। अगला दोस्तों, सर मैं एससी से बिलोंग करती हूँ, एएलपी का फॉर्म फिलअप करने के समय ईबीसी एंड एससी दोनों ही भर दिया हूँ, तो अब क्या करूँ दोस्तों? ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाओ, आप ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो गजट ऑफिसर से और आपका एससी का सर्टिफिकेट लेके जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला दोस्तों, सर जीरोक्स कॉपी में किसी ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं, आईटीआई का एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है किसी के भी सिग्नेचर दोस्तों, किसी के नहीं करवाने हैं, आपको खुद के सिग्नेचर आपके होने चाहिए उसके ऊपर। जनरल कैंडिडेट को कौन लिया दोस्तों? मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर दोबारा से बताऊंगा तो। सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का 2017 में बनवाया बनवाया था, चल जाएगा क्या दोस्तों? ये दोस्तों आपकी कास्ट के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपका चल जाएगा, ओबीसी से दोस्तों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो रेलवे 12 मंथ या 6 मंथ पुराना मांगता है, तो आप दोबारा बनवा लें अगर आप ओबीसी से हैं तो। एससी एसटी से, एसटी से हैं दोस्तों जैसे सरनाम से रिलेटेड है कि मीना है, तो दोस्तों आपको इंग्लिश वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला दोस्तों, सर मैंने 10+ आईटीआई से किया है, हायर ग्रेजुएशन डाल दिया है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा इंटर एंड आईटीआई एक साथ एक सीजन में था, तो क्या मैं 10+? ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर आप प्राइवेट कॉलेज हो तो आप ले जा सकते हो, वरना आप मत लेके जाना। ये दोस्तों कोई बड़ी समस्या नहीं कि आपने हायर क्वालिफिकेशन भर दिया, ये दोस्तों आपका एप्टीट्यूड के साथ हो जाएगा कैंसिल। सर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का लोकेशन गलत डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, अब क्या करूँ दोस्तों? आप एप्टीट्यूड बनवाओ, अगर कोई भी आपको छोटी मोटी समस्या आ रही है तो आप एप्टीट्यूड बनवा लो,
आपका 10 रुपये या फिर 50 रुपये की एफिडेविट के ऊपर आप लिखवा लो और नोटरी करवा लो वकील से, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली आपको। क्या ALP का मेडिकल में फेल होने पर टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी दोस्तों? ये दोस्तों अगर आपको ALP पोस्ट अभी मिल गई है, लॉक हो गई है, तो आपको टेक्नीशियन में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको ALP पोस्ट दी जाएगी अगर आप मेरिट में आए तो। अगर मेरिट में नहीं आए तो आपको दोस्तों उसके रिगार्डिंग वेटिंग में रखा जाएगा, और आप मेडिकल में फेल हो रहे हो तो आपको बाहर किया जाएगा। ये दोस्तों प्रोसेस होना चाहिए रेलवे के हिसाब से। अब जैसे कि ग्रुप डी के अंदर भी कुछ अलग ही समझ में आ रहा था, तो इसका भी अब रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा अपडेट है नहीं, अभी यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। SSC का मार्कशीट एंड बोर्ड नेम भरते समय गलत भर दिए, एक सर्टिफिकेट पे नासिक है और फॉर्म में औरंगाबाद। ये दोस्तों आप एफिडेविट लगवा लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। EBC यस किया है, ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको। EBC यस है, EBC जिसने भी यस किया है दोस्तों, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाए, रिस्क बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि आपका फीस है वो रेलवे ने रिटर्न कर दिया है दोस्तों। मतलब आपने EBC लगाया तो आपका 500 रुपये रिटर्न हुए हैं, तो अब वो दोबारा से रेलवे नहीं लेगा, उसके लिए आपको EBC लेके जाना ही होगा। सर CEOE इलेक्ट्रिशियन ITI से, इसमें 1 ईयर मार्कशीट, ये दोस्तों मैंने बता दिया था पहले। ALP ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त नाम पवन कुमार भर दिया, 10th आधार कार्ड में सभी में पवन है, एफिडेविट लगवाओ आप। जनरल वालों के लिए डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। अगला है दोस्तों आपका सीजन 2015-16 में पासिंग ईयर 2016, ITI फॉर्म भरते समय पासिंग ईयर 2015 दे दिया, इसके लिए दोस्तों आप एफिडेविट बनवाओ। फॉर्म में कोई भी गलती आपने भर दिया है तो आप एफिडेविट बनवाओ कि साइबर कैफे वाले ने गलती से भर दिया या हमने गलती से भर दिया, वो आपका एफिडेविट वकील के द्वारा चल जाएगा, कोई भी आपको समस्या आ। मेरे पास CBT 1 की हाल स्लिप दोस्तों इन्होंने नहीं मांगी है, आपको एडमिट कार्ड की स्लिप किसी से भी नहीं मांगी है अभी तक रेलवे ने, तो आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ITI पास आउट 2018 की जगह 2017, ये भी दोस्तों एफिडेविट लगेगा आपका। फाइनल रिजल्ट में कितना टाइम लगेगा? रिजल्ट सभी बोर्ड का साथ दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सभी बोर्ड का साथ आएगा, क्योंकि किसी बोर्ड के अंदर सिर्फ 700 कैंडिडेट पास हैं, तो उनका मेडिकल है वो आपका 7 दिन में हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर वो चाहें तो अपना ज्वाइनिंग वो दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं दोस्तों। और जिनका दोस्तों सितंबर, आपका कई जैसे कोलकाता जोन है उसका आपका सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल है, तो वो दोस्तों सितंबर के बाद में ही ज्वाइनिंग दे रहे, इससे ऐसा कुछ अभी कन्फर्म है नहीं। तो दोस्तों अगला है सर, माय नेम जितेंद्र मीना, मुंबई, EBC सर्टिफिकेट पर SDM सिग्नेचर हुए हैं। EBC पर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर के जो भी हैं वो तो आपके चल जाएंगे। सर मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैंने फॉर्म में डिप्लोमा परसेंटेज क्या डाला था, मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों अभी निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ना तो उन्होंने मांगा है, और अगर वो मांगेंगे तो वहाँ पर निकलवाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी रास्ता नहीं है अभी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। ALP के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10th में और 10th+2 ITI के BA के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? ALP के डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप 10th+ITI लेके जा सकते हो अगर आपने ITI किया दोस्तों, 12th की भी आपको जरूरत नहीं है और BA की भी जरूरत नहीं है, और दोस्तों अगर आपने आपने की है तो ज़रूर लेके जाएं। सर चेन्नई जोन से ई कोलेटर तो आ गया, लेकिन DV एंड मेडिकल का फुल शेड्यूल जारी नहीं हुआ। दोस्तों शेड्यूल जारी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि सभी जोनों का शेड्यूल जारी हो, बिना शेड्यूल के भी अगर एडमिट कार्ड आ गए हैं आपके तो शेड्यूल की जरूरत नहीं, आपका वो ऐसे भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो काफ़ी कमेंट है दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, तो आप देखें ज़रूरी से। मेरा ITI का डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है सीजन, तो दोस्तों ITI डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th की मार्कशीट काफ़ी होती है, ITI की जरूरत नहीं है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए। मेरा हाथ टूटा हुआ है, अगर आपको कोई अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली फिट हो तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर। सरजी सिकंदराबाद की DV लिस्ट जारी कब होगी? दोस्तों ये बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि कहाँ कब की DV लिस्ट जारी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अगर कोई भी जोन की जारी होती है तो मैं वीडियो बनाकर या कम्युनिटी में डालकर आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। का सर्टिफिकेट भी नया या पुराना होता है क्या? SC ST का मेरा 6 साल पहले बना हुआ है, उत्तराखंड सरकार का, तो दोस्त उत्तराखंड सरकार का नहीं, आप सेंटर का बनवाओ, सेंटर का जो इंग्लिश वाला जाति प्रमाण पत्र बनता है 6 साल पुराना चल जाता है, SC ST का प्रॉब्लम नहीं होती, पर आपके पास इंग्लिश वाला होना चाहिए, जो आपके रेलवे का फॉर्मेट दिया उसमें आप बनवा लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। अगला क्या है, माई फादर नेम ऐसे लिखा हुआ है प्रसाद, मैट्रिक्स मूल प्रमाण पत्र में ऐसे
लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? तो दोस्तों ये आप एप्टीट्यूड बनवा सकते हो अगर आपको फॉर्म में कुछ गलती हो गई, फॉर्म फिलअप करते समय। सर मेरा आईटीआई सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ गलत है क्या? ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, एफिडेविट भी लगा सकते हो वरना आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। सर मैंने जो एसटी का फॉर्म भरा था, बट अब रेलवे ने जो फॉर्मेट फर्स्ट दिया है कास्ट बनेगा, तो पता चला कि मेरा कास्ट का ऑनलाइन से हटा दिया गया है मेरा का। तो दोस्त आपका कास्ट है वो 31 मार्च से पहले, यानी कि जो लास्ट डेट थी उससे पहले पहले आपका ऑनलाइन की जो सेंटर की कास्ट लिस्ट थी उसके अंदर होना चाहिए। उससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त, क्योंकि उससे पहले का अगर आपकी कास्ट उसमें हट थी और बाद में हट जाती है, या फिर आपकी बाद में नहीं थी और बाद में जुड़ जाती है, तो उसका रेलवे बाद में फ़ायदा नहीं देगा, पहले वाला ही देखेगा। सर ALP एंड टेक्नीशियन में गवर्नमेंट सर्विस वालों को NOC लाने को बोला है, तो सम रीज़न हमें पहले NOC नहीं मिली, अभी हमें NOC मिल गई है 12/6/2000 की। तो दोस्त आप NOC लेके जा सकते हो, अब आपको NOC मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में नहीं है बट सेंटर का है सर, एनी प्रॉब्लम? सेंटर का चल जाता है दोस्त, पर आप अगर रेलवे फॉर्मेट बनवा लो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पता नहीं वहाँ पर क्या भी कुछ भी बोल सकते हैं वो, वैसे सेंटर का चल जाता है, इंग्लिश वाला होता है वो। सर मैंने फॉर्म में अनग्रेजुएट डाल दिया था, बल्कि मेरा 2016 में ग्रेजुएट हो चुका है था, बट ब्लैंक पेपर की वजह से, दो बैक पेपर की वजह से 2018 तक मार्कशीट नहीं आई थी। मार्कशीट अभी 11 जून 2019 को लाया हूँ यूनिवर्सिटी से पहले। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपने अनग्रेजुएट डाला तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ग्रेजुएट देने की, अब आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोर डी लेंसेस क्या होता है प्लीज़ आंसर दोस्तों, जिनके पॉइंट होते हैं -4 या +4 डायरेक्टर दोस्तों, जो आँखों का होता है वो दोस्तों इसके अंदर आपका मांगा गया है। सॉरी फॉर दिस डिसलाइक हो गया होगा गलती से। भाई मैंने 10th और आधार कार्ड में फादर नेम राजकुमार शाह है, जबकि ITI और रेलवे फॉर्म में राजकुमार शाह स्पेस नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त? फॉर्म के अंदर और 10th का मार्कशीट का नाम आपका सेम होना चाहिए दोस्त, ये आपका हो सकता है, एफिडेविट बनवा लें आप। अगला क्या दोस्तों, सर OBC NCL का इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है क्या? अगर दोस्तों आपने इनकम सर्टिफिकेट में यस किया है तो आपको बनवाना है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सर मेरा फर्स्ट चॉइस टेक्नीशियन है, कोई ALP एंड टेक्नीशियन दोनों के कट ऑफ पार कर रहा हूँ, तो मेडिकल कौन दोस्तों आप फर्स्ट चॉइस में अगर आपका होगा तो फर्स्ट चॉइस ही होगा, मतलब आप टेक्नीशियन की मैट फाइनल कर रहे हो और आपका टेक्नीशियन में हो गया है, तो आपका मेडिकल भी टेक्नीशियन का ही होगा। ITI टेक्नीशियन से हूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी है दोस्तों, मैंने बता दिया पहले ही, ये दोस्तों दोनों कमेंट मैंने बता दिए हैं। OBC सर्टिफिकेट किस डेट से बिफोर का होना चाहिए, और वो स्टेट लेवल का फॉर्मेट का होना चाहिए या सेंट्रल लेवल का? दोस्त सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, स्टेट लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा वहाँ पर, और हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए OBC का मेरे हिसाब से। अगर आप 12 महीने पुराना है तो भी दोस्तों चल जाएगा, पर आपको अगर रेलवे जोन के ऊपर निर्भर है कि किस जोन में क्या वो प्रोसेस करते हैं, तो आपको आपका ज्वाइनिंग लेट कर सकते हैं, वो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। तो आपके पास टाइम है अगर तो आप बनवा लें, उसके अंदर रिस्क ना लें। सर मेरा फॉर्म भरते समय EBC के लिए यस हो गया, तो दोस्त आप बनवा के लेके जाएं वहाँ पर। सर ITI सर्टिफिकेट टाइप NSC डाल दिया, तो मेरे पास NTC सर्टिफिकेट है, तो क्या सोल्यूशन है? आप लेके जाएं जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना ITI का, वो काफ़ी है दोस्त। OBC के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये दोस्तों मैंने बता दिया है पहले ही। OBC के लिए दोस्तों आपको OBC सर्टिफिकेट लेके जाना है, बाकी जनरल वाले जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने हैं। काफ़ी कमेंट हो गए दोस्तों, ये तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। 6 सेमेस्टर की मार्कशीट गुम हो गई है, जिसका क्या करें, कोई सोल्यूशन बताए? जो भी आपके पास फाइनल मार्कशीट है वो आप लेके जाएं, फाइनल मार्कशीट है तो आपको लेके जाना है। अपलोड दोस्तों जिसने दिया है, जिस जो ने दिया है तभी आपको अपलोड करना है, वरना आपको नहीं अपलोड करना। रांची का DV हो जाएगा दोस्त, जल्दी ही आपको अपडेट मिल जाएगी। OBC NCL सर्टिफिकेट इंडिया गवर्नमेंट जॉब का चल जाएगा, या रेलवे फॉर्मेट सर्टिफिकेट इंडिया गवर्नमेंट जॉब का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और रेलवे फॉर्मेट में भी बनवा लो आप। ITI का सर्टिफिकेट में मदर का नाम गलत हो गया, क्या करें? तो दोस्त एफिडेविट बनवाओ और लगाओ। अहमदाबाद बोर्ड सर DV स्कैन करना है क्या? अगर उसकी आपका जो लिस्ट आया उसमें अगर लिखा है स्कैन करना है तो आपको स्कैन करना है, वरना मत करना। NCVT की जगह SCVT हो गया तो एफिडेविट बनवाओ। OBC NCL कितना पुराना हो जाए दोस्त? मेरे हिसाब से 6 महीने पुराना आपको
रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना 12th मंथ तक आपका चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर 6 महीने पुराना आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर एक डाउट है मेरा, आईटीआई कॉलेज में आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं आया है। नहीं आया तो दोस्तों आपके पास जो भी मार्कशीट है वो आपके लेके जाएं, और 2013 से 15 है तो आपका तो आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2013 से 15 ही मेरा भी आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों वो तो आ जाता 2017 में ही आपका आ चुका है, तो आप कोशिश करें उसे लेने की। अगला आपका 10th मार्कशीट में जो भी आपका नाम है 12th में जो भी डिफरेंट है, 12th की अगर आप 10th+ ITI हो तो आपको 12th की मार्कशीट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। OBC सर्टिफिकेट 2017 दिसंबर का है, तो आप दोबारा से बनवा लो दोस्त, ये काफ़ी पुराना हो गया है। OBC सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सील चाहिए या फिर SDM का? दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नहीं हो तो तहसीलदार तक आपका चल सकता है। ये दोस्तों आपका अपना जो पुराना बना है उसके अंदर देखो आप, ये जो भी आपका नंबर आप पूछ रहे हो, ये दोस्तों आपका लास्ट है। बाई मुंबई DV कुछ बताओ, इक्वलेटर दोस्तों जैसे ही इक्वलेटर बता दिया आपको 10 से 7 दिन पहले, आप देख लेना, चेक करते रहना, आपको पता लग जाएगा। OBC के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? तो दोस्तों अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट यस किया तो आपको ज़रूरत है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में, तो रेलवे फॉर्मेट से भी चल जाएगा और सेंटर के फॉर्मेट में भी चल जाएगा, आपका दोनों चल जाएंगे। मेरा ट्रेंड फादर का नेम एरर है, रामनेश्वर का जगह। तो दोस्तों अगर नाम में आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो एप्टीट्यूड लगाएं। वीडियो को ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, तो आगे इसके रिकॉर्डिंग इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आगे के अपडेट जो भी मिलेगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगी। जय हिंद। Thank you.